दोस्ती भालू और बंदर। ये कहानी है एक अनोखी दोस्ती की जो एक भालू और एक बंदर के बीच थी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आती थीं, एक भालू रहता था। उसका नाम था भोला। भोला बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था। भोला का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसी जंगल में एक शरारती बंदर भी रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही चंचल और चालाक था। चीकू हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था और जंगल के अन्य जानवरों को हंसाता रहता था। भोला और चीकू बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब चीकू ने भोला को एक बार एक मुश्किल से बचाया था। दोनों हमेशा साथ रहते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे। वे जंगल में दौड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। कभी कभी तो झगड़ा भी कर लेते थे, लेकिन उनके झगड़े कभी लंबे नहीं चलते थे। वे जल्दी ही सुलह कर लेते थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। एक दिन जब भोला बीमार हो गया तो चीकू ने उसकी बहुत देखभाल की। उसने भोला के लिए फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा की और उसे ठीक होने में मदद की। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। मस्ती और शरारतें। जंगल में हर दिन कुछ नया होता है और आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। एक दिन भोला और चीकू नदी के किनारे बैठे थे। नदी का पानी शांति से बह रहा था और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। चीकू ने भोला को चिढ़ाते हुए कहा, भोला तुम कितने मोटे हो। चीकू की शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। भोला गुस्से से बोला, चुप रहो चीकू, मैं मोटा नहीं हूँ, ताकतवर हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। चीकू ने भोला को और चिढ़ाया, अरे भोला अगर तुम ताकतवर हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, चीकू ने हंसते हुए कहा। भोला गुस्से में चीकू के पीछे भागा। जंगल में दोनों की दौड़ शुरू हो गई। चीकू की फुर्ती और भोला की ताकत का मुकाबला देखने लायक था। चीकू भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसकी फुर्ती देखकर भोला हैरान रह गया। भोला पेड़ के नीचे खड़ा चिल्लाता रहा, नीचे आओ चीकू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चीकू ने पेड़ से एक फल तोड़ा और भोला के ऊपर गिरा दिया। फल भोला के सिर पर गिरा और वह और गुस्सा हो गया। भोला और गुस्सा हो गया। चीकू तुम बहुत शरारती हो, उसने गुस्से में कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों हंसते हंसते फिर से खेलने लगे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी शरारत उनके बीच नहीं आ सकती थी। जंगल के अन्य जानवर भी उनकी मस्ती देखकर खुश हो जाते थे। इस तरह मस्ती और शरारतों से भरा एक और दिन खत्म हुआ। एक नक्शा एक रहस्य। यह कहानी है एक अद्भुत यात्रा की जो एक पुराने नक्शे से शुरू होती है। एक दिन चीकू नाम का एक बंदर जंगल में खेलते हुए एक पुराना नक्शा खोजता है। यह नक्शा बहुत ही रहस्यमय और प्राचीन लगता है। नक्शे पर एक बड़ा सा एक्स का निशान बना हुआ था जो खजाने की जगह को दर्शाता था। नक्शे पर कई अन्य चिन्ह और संकेत भी थे जो खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताते थे। चीकू खुशी से उछल पड़ा। उसे यकीन हो गया कि यह नक्शा उसे एक बड़े खजाने तक ले जाएगा। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त भोला भालू को यह बात बताई। भोला भी यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। भोला ने कहा, क्या सच में? यह तो बहुत ही रोमांचक है। चलो हम दोनों मिलकर इस खजाने को ढूंढते हैं। दोनों ने मिलकर नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि नक्शे में कई पहाड़, नदियां और जंगल के रास्ते दिखाए गए थे। नक्शे में एक झरने का चित्र भी बना था जो खजाने की जगह के पास था। यह झरना बहुत ही सुंदर और घने जंगल के बीच में था। झरने के पास ही खजाना छुपा हुआ था। नक्शे के अनुसार खजाना एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। भोला और चीकू ने खजाना ढूंढने का फैसला किया। वे दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल के रास्तों पर चलते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए और नदियों को पार करते हुए, यह यात्रा उनके लिए बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण थी। क्या वे खजाने तक पहुंच पाएंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए। जंगल का सफर। अगले दिन भोला और चीकू जंगल में निकल पड़े। उनके पास नक्शा और खाने का सामान था। जंगल घना था। रास्ते में कई खतरे थे। कभी शेर की दहाड़ सुनाई देती, कभी बाघ के पंजों की आवाज आती, लेकिन भोला और चीकू ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते रहे। ओह, मधुमक्खियों। रास्ते में उन्हें एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा। चीकू को शहद बहुत पसंद था। उसने भोला से कहा,
भोला मुझे शहद चाहिए। भोला ने मना किया, नहीं चीकू ये खतरनाक है। लेकिन चीकू नहीं माना, उसने छत्ते पर पत्थर मारा। मधुमक्खियां गुस्से से बाहर निकली, भोला और चीकू जान बचाकर भागे। खोया और भूखा, भागते भागते भोला और चीकू रास्ता भूल गए। अब उनके पास नक्शा भी नहीं था, वो जंगल में खो गए थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। चीकू उदास होकर बोला, अब हम क्या करेंगे भोला? भोला ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, घबराओ मत चीकू, हम रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। जादुई झरना। अचानक उन्हें झरने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर झरने के पास पहुंचे। झरना बहुत ही सुंदर था, झरने का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। तभी चीकू की नजर झरने के पास रखे एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खजाने का था। दोस्ती की मिठास। भोला और चीकू ने मिलकर डिब्बा खोला। डिब्बे में सोने के सिक्के नहीं बल्कि तरह तरह के फल और मिठाइयां थीं। भोला और चीकू बहुत खुश हुए, उन्होंने खूब सारी मिठाइयां खाई। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा खजाना तो उनकी दोस्ती है। भोला और चीकू ने मिलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता